खिलाड़ी की 30वीं वर्षगांठ 5 जून थी। फिल्म की कहानी, साउंडट्रैक, अभिनय और रसायन विज्ञान की सराहना की गई थी। अक्षय कुमार और आयशा जुल्का को काफी पसंद किया गया था, जैसा कि दीपक तिजोरी के साथ उनका मजाक था। कई प्रशंसकों का दिल टूट गया था जब दीपक तिजोरी के चरित्र बोनी को चोट लगी थी। तिजोरी का चरित्र बर्बाद लग रहा था। बोनी फिल्म के आखिरी दृश्य में जीवित रहते हैं। पिछले 3 दशकों में कई दर्शकों ने सोचा है कि बोनी के चरित्र को मरने के लिए क्यों बनाया गया था, जब लक्ष्य प्रकट करना था कि वह नहीं करता है। दीपक तिजोरी को प्री क्लाइमैक्स में मरना था, एक सूत्र ने बताया। इसलिए मंच सेट किया गया था। ठगों ने बोनी पर हमला किया। राज और इंस्पेक्टर सुरेश ने उसे बचाया। वो हत्यारे का नाम बताने में विफल रहता है। राज की बाहों में बोनी मर जाता है। अक्षय कुमार आशंकित थे कि अगर उनके चरित्र की मृत्यु हो गई, तो दीपक तिजोरी उनसे लाइमलाइट पकड़ लेंगे, एक सूत्र ने कहा। रतन जैन और अब्बास मस्तान ने उनके अनुरोध पर फिल्म को बदल दिया, उस हत्याकांड का सफाया कर दिया। इंस्पेक्टर रश ने बोनी को अस्पताल ले जाने का आदेश दिया, जिसने पालन किया। अंत में सुरेश, अन्ना, नीलम और अन्य लोग अस्पताल में बोनी से मिलने जाते हैं। अभिनेता अन्नू कपूर ने सालों पहले अपने रेडियो शो में इस बात का खुलासा किया था।